हेलो गाइस, जैसे कि आप सबने टाइटल में पढ़ी लिया होगा, आज मैं बाला मूवी ट्रेलर के बारे में बात करने वाला हूँ। ये इंडिया की एक पहली ऐसी मूवी है जिन्होंने इतना एक सेंसिटिव टॉपिक को कवर करा है, एंड आयुष्मान को इस चीज़ के लिए थम्स अप है। एंड जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी इंडियन सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा जजी है। हमारे यहाँ पे लुक्स को लेके, हर एक चीज़ को लेके लोगों को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। आज भी अगर मैं बात करूँ, लोग अगर शादी के लिए लड़की ढूंढते हैं तो वो चाहते हैं एक सुंदर लड़की हो, गोरी लड़की हो, एंड अगर लड़का हो तो हैंडसम हो, स्मार्ट हो, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी हो। खुद अपनी भी बात करें या मैं एक जनरल वे में बात करूँ, अगर मैं भी हूँ, सो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में हम हर कोई ये चीज़ कहता ज़रूर है कि हमें एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, बट हम बहुत ज़्यादा जजी होते हैं एक दूसरे को लेकर, बिकॉज हम एक सोसाइटी में जी रहे हैं। सो हमारी सराउंडिंग्स ऐसी है कि हम सबकी थिंकिंग इस तरीके की हो चुकी है। जैसे कि आप सबने देखा ट्रेलर के अंदर, ये मूवी एक ऐसे पर्सन के बारे में है जिसके बिल्कुल भी बाल नहीं है, एंड उसके बचपन में बहुत अच्छे बाल हुआ करते थे, बट अब उसके बिल्कुल भी बाल नहीं है, एंड उसका कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है, उसको लड़की नहीं मिल रही है, एंड एक्स वाई चीज़ें जो रेगुलर लाइफ के अंदर हम फेस करते हैं। एंड अगर मैं बात करूं, आई थिंक जो भी पर्सन के बाल नहीं होते हैं, तो मैं आई गेस उससे रिलेट कर सकता हूं, बिकॉज मेरा ये इंडस्ट्री है, या मैं हेयर पैचेस में डील करता हूं। मेरे पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन आता है जो ये होता है कि भैया हमारी शादी होने वाली है, या मुझे शादी के पर्पज़ से पैच लगवाना है, या कोई लड़की हमें नहीं देखती है, क्या हमारा पैच लगाने के बाद ये हो जाएगा। सो जैसे कि हम ट्रेलर के अंदर देख सकते हैं, आयुष्मान इस पिक्चर में एक बाल्ड कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, जिसमें उसकी लाइफ के साथ जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक बाल्ड पर्सन जो जो चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करता है या अपनी लाइफ के अंदर फेस करता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें उस पिक्चर में देखने को मिलेंगी। जैसे आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं, पूरे दिन वो मिरर के अंदर अपने आप को देखता रहता है, जहाँ तक की है कि वो मिरर के अंदर अपना ऊपर वाला फेस को भी कवर अप कर लेता है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक बहुत कॉमन है, जिन लोगों के बाल नहीं है ये सिर्फ वही बता सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट पास करते हैं, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, बट आप उन लोगों से पूछो जिन लोगों के बाल नहीं है, एक्चुअली में वो ये सब चीजें रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। एंड जैसे कि ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है, आई गेस हर एक पर्सन अपने ऊपर हर एक चीज़ ट्राई कर चुका है, किसी ने कोई हकीम की दवाई से लेके सब कुछ ट्राई कर चुका है। सो जैसे ट्रेलर में भी दिखाया, सेम रियल लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं। एंड अगर मैं इस चीज़ के ऊपर अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, इट्स माय ओपिनियन, देखिए अगर दवाइयों या किसी भी चीज़ से अगर दुनिया में बाल आते ना, इस दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर गंजा नहीं होता। दवाइयों से कभी बाल नहीं आते हैं, तो आप उस चीज़ में एटलीस्ट अपना पैसा बर्बाद मत करिए। आप जैसे देख सकते हैं, उसके अंदर उसने गोबर से लेके हर एक चीज़ अपने स्काल्प के ऊपर लगाया, बट उसके बालों में कोई भी उसको रिजल्ट नहीं मिला। सो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस मूवी के अंदर दिखाया है, ये रियल लाइफ में भी है, बिकॉज लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत कम है इस चीज़ को लेके। जिस भी लोगों के बाल जाते हैं, उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो दवाई ले लेते हैं या वो हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। सो जैसे कि हम देख सकते हैं उस मूवी के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद वो जाता है, उसको उसके फादर जो है एक हेयर पैच गिफ्ट करते हैं। सो अब हेयर पैच, अब मैं अगर हेयर पैच में आ जाता हूँ, ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। बहुत सारी वीडियोस मैंने हेयर पैच के बारे में डाली हुई है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं हेयर पैच क्या होता है, किस तरीके से लगाया जाता है। सो इस वीडियो में मैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आप उन सब चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके उसमें देख सकते हैं। सो जैसे कि हम देख सकते हैं उसमें ट्रेलर के अंदर, उसका फ्रेंड उसको हेयर विक के बारे में बताता है, एंड उसको वो क्लियरली एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। उसका कहना ये होता है कि यार ओरिजिनल ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है, एंड बाद में वो उसी हेयर पैच को यूज़ करता है। सो इस चीज़ को मैं एक बहुत कॉमन चीज़ मानता हूँ। आज से अगर मैं 5 साल पहले देखूँ, तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हम एक आर्टिफिशियल चीज़ लगा रहे हैं। यार देखो, मेरा सिंपल सा इस चीज़ में एक कहना है कि अगर आज आप कोई चीज़ आपकी बॉडी के अंदर आपका हार्ट टूट जाता है, या आपका कोई दांत टूट जाता है, या अगर मैं बात करूँ हमारी आईज़ वीक हो जाती है, तो हम कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मा भी तो लगाते हैं ना। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए पहले के टाइम पे विग जो होती थी, उनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पता लगता था, बिकॉज उसके अंदर लुक नहीं आ पाता था अपना डिजायर्ड। बट आज के टाइम में हेयर पैच है, हेयर विक्स हैं, वो इतनी हाई क्लास हो चुकी हैं कि जिसमें आप जैसा मन चाहे वैसा लुक आप इसके अंदर बना सकते हैं। सो अगर आप हेयर पैच लगा रहे हैं, तो उस चीज़ को अपना पार्ट ऑफ लाइफ मान के चलिए कि मैं एक चीज़ लगा रहा हूँ। अगर मैं बात करूं, 100 लोग हैं, 100 में से 2 लोगों के बाल नहीं हैं, तो 2 लोगों के दांत खराब हैं, 2 लोगों की कोई चीज़ खराब है। सो अगर आप ये मान के चलिए कि यार बाकी सारी चीज़ें मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है, अगर मेरे बाल खराब है, एंड बिना सर्जरी के या बिना कोई चीज़ करे मेरे अगर बाल आ सकते हैं, तो उसमें हर्जी क्या है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? क्या अगर बालों के अलावा कोई और चीज़ ऐसी होती जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती, कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते या उस चीज़ को डिनाई कर देते, नहीं मैं इस चीज़ को नहीं लगाऊंगा, ये आर्टिफिशियल है। अगर मैं बात करूं, अगर कोई चीज़ आर्टिफिशियल लग रही है या कोई चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है, तो उस चीज़ को कहना लाजमी होगा आपके लिए कि इस चीज़ का पता लग रहा है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, या उस चीज़ का कोई जज कर पा रहा है। देखिए अगर हेयर पैच के अंदर जज होगा ना, तो कोई भी पर्सन नहीं लगाएगा। मेरा मानना है, अगर आप इस चीज को ये मन बना के बैठे हैं कि मुझे आर्टिफिशियल चीज नहीं लगानी है, तो आप इस चीज को सिर्फ तब मानिए कि अगर कोई चीज आर्टिफिशियल लग रही है। अगर आपने
कोई चीज लगा रखी है तो ये चीज तो सिर्फ आप ही को पता है, किसी और को तो नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये शर्ट पहनी हुई है कि अंदर मैंने बनियान पहनी है नहीं पहनी, आपको पता है? ये सिर्फ मुझे ही तो पता है, एंड ओनली आई कैन फील दैट। सेम एज हेयर पैच, आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई चीज लगाई हुई है, बिकॉज दुनिया वालों को किसी को भी पता नहीं चलने वाला है कि आपने कोई चीज लगाई है। सो मैं इस चीज पे सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप हेयर पैच लगाते हैं या आप हेयर पैच लगाने की सोच रहे हैं तो इस चीज को अपना पार्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट करिए कि आप कोई चीज लगा रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कोई चीज लगाऊं और मुझे भी फील ना हो या बिल्कुल ऐसा ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप कोई चीज लगा रहे हैं तो आपको वो डेफिनेटली फील होगा। सो एट द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी मत कराइए। मैं किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, इट्स माय ओपिनियन। सो अगर आपको लगता है कि आप अपने लुक्स के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहते हैं, अगर आपका डाउन है तो, सो डेफिनेटली हेयर पैच इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज मेडिसिन वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है। एंड हेयर ट्रांसप्लांट हर किसी के लिए नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट जाइए मेरी डिस्क्रिप्शन पे वीडियो देखिए, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को भी एक्सप्लेन करा है, हेयर पैच को भी अच्छा करा है। सो दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप दोनों में से करा सकते हैं। एटलीस्ट बाला मूवी की वजह से एक चीज तो बहुत अच्छी होने वाली है कि लोगों को अवेयरनेस आने वाली है, लोगों को पता लगने वाला है कि एक और ऑप्शन आया है मार्केट के अंदर जो कि बहुत अच्छा भी है एंड वेरी यू नो नॉन सर्जिकल, तो विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सो चेकआउट माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आप जाइए, हर तरीके की वीडियोज आपको मिल जाएंगी, कैसे पैच लगता है, क्या लगता है, आप जाइए, सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा। एंड इन केस अगर ये आपके लिए नो बालों के आपके बिल्कुल ठीक है एंड आपको जरूरत नहीं है, तो जो आपके फ्रेंड सर्कल में है या जो भी है, सो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे उनकी भी एक हेल्प आउट हो सके। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेकेंडली इंस्टाग्राम पे मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर्स देता रहता हूँ, सो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, सो आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड जाके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए। सो जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।